आप देख रहे हैं CN24। खजनी तहसील क्षेत्र के चारनाथ ग्राम सभा निवासी रामनारायण पुत्र धरभरन की रिहायशी झोपड़ी जलकर राख हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। पीड़ित परिवार ने बताया कि रोजमर्रा के सभी सामान सहित सर्दी के बिस्तर भी जलकर खत्म हो गए। वहीं मौके पर हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी श्याम मोहन उपाध्याय, गब्बू मधेशिया एवं MLC प्रतिनिधि विश्वजीत सिंह पीड़ित परिवार को ढाढ़स देने पहुंचे। प्रधान प्रतिनिधि राणा प्रताप सिंह द्वारा पीड़ित परिवार को तत्कालीन 2000 नगद व राशन की व्यवस्था का सुपुर्द किया गया। ये कौन सा ग्राम सभा, कैसे आग लगी इसके बारे में? चरनाद है, अभी मैं कचहरी में था तो फोन गया, पता लगा इनकी झोपड़ी जल गई। आने पता लगा कि ये फुल्की बेचते हैं, उसी से इनका जीवन यापन होता है, और फुल्की बना रहे थे बच्चे दोपहर में, और कड़ाही में आग लगी और झोपड़ी जल गई। ये इनकी रिहायशी झोपड़ी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लिस्ट में नाम नहीं था, मुख्यमंत्री आवास योजना में इनका नाम प्रस्तावित है, और इसी झोपड़ी में ये लोग निवास करते थे। खाना बना, वो फुल्की बनाते समय झोपड़ी में आग लगी। और कितने का नुकसान हुआ होगा अपने आप? अब इनका पूरा गृहस्थी, पूरी गृहस्थी इसी झोपड़ी में थी। जो भी अभी तो ये मरीज हैं, दवा लेके आए थे कल ही, लोग बताते हैं 2000 रुपये की दवा इनकी हफ्ते में चलती है, 15 दिन की, तो 15 दिन का की दवा लेके आए थे। न्यूरो से पीड़ित व्यक्ति हैं, वो दवा था इनका, इनके बच्चों के और इनके कपड़े, पूरे गृहस्थी का खाने पीने का जो भी सामान था, बिस्तर चारपाई वगैरह सब जल के खा। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है, तो मेरी पत्नी इस गांव की प्रधान है। कैसे आग लगी है? लड़को फुल्की बनावत रहला, मऊरा लिया चली गई नाला, पानी आने बस जरत रंग कर रही है, बर गई लगभग से। क्या नुकसान हुआ आपका? मुँह रजाई रहा है, लड़का ने 3000 के रजाई गद्दा मंगौली, खटिया रहा है, तख्ता रहा है, साइकिल जरिए राशन उसन रहा है इन सब्जी। ये क्या नाम पड़ेगा आपका? कौन सा ग्राम सभा है? आप देख रहे हैं CN24।